प्रकाश अंबेडकर द्वारा दिया गया गठबंधन का प्रस्ताव बसपा ने किया स्वीकार। बसपा प्रमुख बहन मायावती द्वारा दी गई हरी झंडी। जी हां, आपको बता दे कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव कुछ ही दिनों में इसके तारीखों का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति को अगर हम करीब से देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि भाजपा द्वारा एनडीए गठबंधन का निर्माण किया गया, और वही कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया। लेकिन पिछले कई दिनों से वंचित बहुजन आघाड़ी एवं बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की मांग लगातार बहुजन समाज करता आया है। इस पर पिछले दिनों वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनका भंडारा में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में एक बयान आया था, और वो बयान मातृभूमि अखबार में छापा गया। उसके तहत ये बताया गया कि अगर बसपा प्रमुख बहन मायावती गठबंधन की चर्चा को लेकर तैयार है तो वंचित बहुजन आघाड़ी ये भी गठबंधन के लिए और उसकी चर्चा के लिए तैयार है। अब इस बयान पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे इनका भी बयान आया है। अब ये गठबंधन के राजनीति की बातचीत बहुत ही दिलचस्प मोड पर दिखाई दे रही है। एडवोकेट सुनील डोंगरे, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका क्या बयान आया है वो सबसे पहले सुन लेते हैं और उसके बाद इस मामले में चर्चा करेंगे। आदरणीय प्रकाश जी, अम्बेडकर साहब जो हमारे लिए सभी के लिए आदरणीय है, उन्होंने या उनके माध्यम से मातृभूमि पेपर में 4-5 दिन के पहले हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि यदि बहन जी तैयार है तो हम चर्चा करने के लिए, युति के संदर्भ में चर्चा करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आदरणीय अंबेडकर साहब का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनके इस डिसीजन का। हमें बड़ा अच्छा लगा कि लेट क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने समाज के बारे में, अम्बेडकरी समाज के बारे में अच्छा सोचा। माननीय कांशीराम साहब ने भी उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था। हमने इसके पहले भी युति करने की कोशिश की 1995 में, शायद मैं यदि सही हूँ तो 96 में, लेकिन वो नहीं हो पाई। आज उन्होंने ये बात कही है तो हम उसका वेलकम करते हैं, और हमारे तरफ से भी हम ये पहल कर रहे हैं उनकी पहल के बाद कि बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति इस महाराष्ट्र की भूमि में हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस महाराष्ट्र की भूमि में अंबेडकरी विचारधारा का सीएम बैठेगा, ये मेरा विश्वास। एडवोकेट सुनील डोंगरे, इनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर शेड्यूल कास्ट का जो वोट है वो 11% है, और हमेशा से ही ये वोटर जो है वो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आता है। 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी को 4% से ज्यादा वोट शेयर उनको मिला था। वही बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो 1% से 1.5% तक उनको वोट शेयर प्राप्त हुआ था। अगर ये गठबंधन होता है तो इसका प्रभाव महाराष्ट्र विधानसभा सीटों पर 100 से 150 सीटों पर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं वो समविचारी पार्टियां हैं। एक तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी की हम बात करते हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी भी फुले शाहू, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा की बात करती है। वही बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पक्ष होने के नाते और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से लगातार फुले शाहू, बाबा साहब अंबेडकर की बात होती रहती है। अगर ये दोनों राजनीतिक पार्टियां मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।